यस अली। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। 7 ज़िलहज है और वो दिन शुरू हो गए हैं जब हम लोग को अपनी औलादों के हक में दुआएं करने का बचपन से सिखाया गया है। तो मैं तो सुबह से जो है वो कल रात को भी सारी रात जागी थी, कुरान पाक पढ़ा और अपने बच्चों के नसीबों के लिए दुआ की और 10 ज़िलहज तक इंशाल्लाह यही करती रहूँगी। सारे हाजी जो हैं वो अरफात में, मिना में इन दिनों जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और फैज़याब होंगे। बकरा ईद के दिन है और कसम से हमारे जहाँ पे मैं रहती हूँ सोसाइटी में, बाहर टेंट लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था और गायें थी और ये वो सारी चीज़ें, मगर मुझे अभी तक बकरा ईद की फील नहीं आ रही थी। अब मुझे बकरा ईद की फील आई है क्योंकि अब मेरे अपने बकरे आ गए हैं। मैं आपको अपने बकरे दिखाती हूँ, बताती हूँ कि सुहेल कितने कितने के लाए हैं, क्या सीन है और बहुत एक्साइटमेंट है। और एक और चीज़ में आए रही, साथ से चलते रहे, थोड़ा सा चलते हैं, थोड़े से बकरे भी आ गए हैं। मुस्तफ़ा भी है ना मेरी गोद में, नहीं अभी नहीं दिखा रहे, मैं खुद दिखाऊंगी। अच्छा, मैं ये चीज़ भी सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने जो है वो बकरा ईद, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है, किसी ना किसी वजह से अल्लाह ताला उस दिन को हमारे लिए लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि जानवरों के साथ जो हमारी अटैचमेंट होती है इन दिनों में और जो उनसियत हम महसूस करते हैं जानदारों से, और फिर उस साथ वो खाना पीना और फिर वो महफिलें होती हैं ज़ाहिर है फैमिलीज़ में, और फिर गरीबों के घरों में भी खाना पकता है, तो कितनी रहमत और बरकत होती है ना। और आज तो मैं फुल निकल कर आई हूँ बाहर, सुहेल ने मुझे बोला कि दुआ आ गए हम लोग, मैं और अली बाहर। मैंने अली को पहली दफ़ा खुद भेजा था। मैं आपको बकरे दिखाती हूँ अपने, एक ये बकरा है, नहीं वो ले गया अली अपना ले गया, एक ये हमारा बकरा है और हम साथ साथ रहते हैं। मेरा मुंह भी लो, मैं भी एक बकरा हूँ, ठीक है, सही से व्लॉग बनाओ। इस व्लॉग जो मैं नहीं बनाती हूँ उसकी वजह राबिया है, क्योंकि राबिया एक लूजर है जिसको कोई वीडियो बनानी नहीं आती, ठीक है, बाजी कर रही है। अच्छा, तो बकरों का हमने जो है वो नाम भी रखना है। ज़ारा इधर आइएगा बेटा, ज़ारा ने कैमरा ला दिया। बकरों का हमने नाम भी रखना है क्योंकि सुन्नत नबी है जब आका पाक भी अपने जानवरों के नाम रखा करते थे। रखेंगे, देखते हैं कि कौन क्या कहता है, अभी क्या नाम रखना चाहिए। अली जरा इधर आओ, अली से खड़े हो। अब हमने बकरों के नाम रखने और याद रखने, इसका नाम क्या होगा? आप ब्राउनी रखते हैं, ये ब्राउनी है, ब्राउन है ना ये, क्यों क्यों है? फिर ये दूसरा बकरा है वाइटो। ब्राउनी अली सींग ना छेड़े, अगर टूट गया तो कुर्बानी नहीं हो सकेगी, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। वो ब्राउनी है, ये है वाइटो। लाइट ठीक आ रही है? अगर नहीं आ रही तो फिर मुझे बताना, मैं एक हल निकाल दूंगी। लाइट कैसे आया था? लाइट चली गई है सोसाइटी की, थोड़ी देर में जनरेटर ऑन होता है। आस पास अब इंसान नुमा बकरों की भी आवाजें सुन सकते हैं, आए देखते हैं। ना करो तो। ये तीसरा बकरा है हमारा, इसका नाम क्या रखे? स्पॉटी रख दें इसको, इसके ऊपर स्पॉट्स हैं। अली बताएं, राबिया बच्चे लूसिफर क्यों? लूसिफर क्या होता है? लूसिफर तो शायद शैतान का नाम होता है। क्या क्या देख रहे हैं आप लोग यूट्यूब पे? मार खानी स्पॉटिफाई रख दे, स्पॉटिफाई। तो ब्राउनी, वाइटो और स्पॉटिफाई तीन हो गए। दो बकरे और हैं, आ जाए मैं आपको दिखाती हूँ। बेटा दो और है, एक तो ये, एक ये मेरा फेवरेट राबिया, पूरा शॉट लो, मुझे भी लो, आ रही हूँ मैं। ये मेरा फेवरेट वाला सुहेल, ये जो लाए हैं, ये छोटा सा इसका साइज है, बहुत क्यूट सा है। आ गई लाइट, लाइट आ गई है, हम फ्लैश के बगैर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला, ये मेरा है, ठीक है। अच्छा, एक बकरा जो है वो, 6 बकरों में से एक बकरा जो है वो, मैं आपको बताऊँ कि इनमें से एक बकरा मैं आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया करूँगी, तो वो सबसे प्यारा और खूबसूरत वाला होना चाहिए और उसका नाम भी हम जो है वो उससे रखेंगे, मतलब एक बादब अंदाज में रखेंगे। तो ये वाला मैं चाहती हूँ, ये सबसे खूबसूरत है और क्यूट है और इस पर मुझे प्यार भी आ रहा है। ये वाला आका पाक को हदिया कर सकती हूँ, मगर बात यह है कि थोड़ा छोटा है, तो हदिये के लिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा बड़ा जानवर हो। मुझे बकरों के बारे में इतना इल्म नहीं है, राबिया को ज़्यादा है, तो मैं पहले उसको सारे बकरे दिखा दूंगी, फिर वो बताएगी सबसे बड़ा वाला कौन सा है, तो फिर वो हदिये के लिए मैं रखूँगी। और कौन सा हमारा? ये लास्ट बकरा, ये है हमारा,
नहीं अली के अलावा भी है ना? नहीं बेटा पांच है, क्या हो गया? वो छठा अली का था ना, वो चला गया, छह दफा बोला। ये है ठीक है, ये है, ये भी प्यारा है। अली इसको खड़ा करो, अली इसको खड़ा करो, नीचे बैठो। और उसको ऐसे नहीं होता, हटो मैं ऐसे खाना देके खड़ा करूं। थक गया होगा वैसे, हो गया। ये भी छोटा सा है, ये भी, ये दोनों क्यूट हैं, है ना? ये दोनों क्यूट है माशाल्लाह। खाना खा लो। चलो ये इन दोनों का, इसका नाम सफेदी और सफेदा रख दे। बताओ क्या नाम रखे जा रहा है इसका? अम्मा ब्यूटी, ब्यूटी एंड ब्यूटी, और उसका नाम स्वीटी, ब्यूटी स्वीटी और वाइटो और ब्राउनी और पांचवे का नाम क्या था? स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई पांच बकरे हमने रख दिए नाम, इसमें से तो हमें हदिया करना होगा। वो हदिये वाला जो है वो, उसका नाम मैं रखूंगी अच्छी तरह बाद अंदाज में। फ्लैश बन करते हैं, जनरेटर ऑन हो चुका है सोसाइटी का, उसके बाद मैं आपको टेंट में जाके जरा गुस्से वाली गायें दिखाती हूँ। बन करें, यस। ये इस तरह जो है ना, ये टैग्स, ये सोसाइटी वाले टैग्स हमारे तो अभी आए हैं ना, तो कल तक जब ऑफिस खुलेगा तो सोसाइटी वाले ऐसे टैग्स लगा देंगे और उसमें हमारे घर का नंबर लिख देंगे। जब तक के लिए हम अंदर चलते हैं। सुहेलफुल पीछे से आवाजें मारे, और शाबाश अली हैदर, अली हैदर। मैंने अली को जान के भेजा था, मैंने सुहेल को, हालांकि अकेले लेकर आ रहे थे सारे लड़के लड़के, मैंने कहा नहीं इसको लेके जाए ताकि इसके अंदर जरा स्ट्रीट स्मार्टनेस आए और जरा जिसे कहते हैं ना शपाटर गिरी आए, जरा पंटर बने है थोड़ा ना, तो इसे देखे होंगी ना। आजा राबिया, राबिया तो ऐसे लगता है जैसे शादी से पहले ही एक दुल्हन है, हर बात में इतना शर्माती है। मेरा हाथ तो छोड़, अली लेके गया और अली इस तरह बैठ कर आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के अंदर स्ट्रीट स्मार्टनेस हो। ये देखिए, ये देखिए, ये कैसे बकरों को खिला रहा है मेरा बेटा अली। सुहेल बकरों को इधर छोड़ के चले गए हैं, अब वो लेकर आएंगे इनका सामान वगैरह खाने पीने का। ठीक है जरा, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि सुहेल आएंगे तो हम इनको खाना खिलाएंगे और अपने बकरे चलाएंगे, और तब तक के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी फिर बकरा एक पे क्या हुआ। ठीक है, अल्लाह बताएगा। अली कैसा लगा बकरे तुम्हें आज लेकर आए हो तुम चिमची पे बैठ के? अच्छा लगा। कैसा लगा बताओ ना, कितने के लाए, क्या लाए बताना, नहीं पैसे नहीं बताना, पैसे कुर्बानी के जानवर के लिए बताते। वैसे बताओ कैसा लगा अली, कैसे लोग थे वहाँ? और डिसेंट लोग थे बकरा मंडी में? हाँ, बाबा ने कैसे सस्ता करवाया? ऊपर देखो, बाबा ने लड़ाई जैसी कोई चीज कर रहे थे, लड़ाई जैसी कोई चीज करके। अरे यार ऐसे थोड़ी बताते हैं नहीं, नॉर्मल लड़ाई, नॉर्मल लड़ाई। बाबा ने क्या बोला एंड में? अच्छा बेटा हेड उतारो अपनी, गंदी करके लायो। बताओ क्या बोला एंड में बाबा ने? कुछ नहीं, बस बकरा लेके भाग गए पैसे दे के। पैसे दे के भागे ना बेटा? अली कितने पैसे कम कराए, कुछ तो बताओ यार। बस बेटा हो गया तेरा काम। दूध चलाना पड़ेगा थोड़ा आगे। आप तो खुद डर रही है इतना इनसे। साथ ही मेरा व्लॉग हुआ एंड, अब मैं घर पे आके सोने लगी हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि मैं बकरे चला रही थी जिनमें से दो इतनी तेज़ दौड़ना शुरू हो गए थे कि मैं बिल्कुल घबरा गई थी और चीखे मारना शुरू हो गई थी। कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।